कक्षा चार की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। जैसे कि मैं आपको कक्षा चार में लस के सवालों को हल करवा रहा था, तो आज हम उसी प्रकार के दो सवाल हल कर रहे हैं। सवाल वही है कि निम्नलिखित का लस ज्ञात कीजिए। पहला 18 और 30, दूसरा है 12, 16 और 28। तो आपको पता है कि मस जब हम करते हैं तो सबका अलग अलग अभाज्य गुणनखंड ज्ञात किया जाता है। लस के अंदर दी गई संख्याओं का एक साथ ही अभाज्य गुणनखंड ज्ञात किया जाता है। यदि पहला सवाल है 18 और 30, तो 18 और 30 सबसे पहले 2 का भाग, तो 2 के पाड़े में 18 कितनी बार आता है? 2 9 18, 9 बार। 30, 2 का भाग 30 में पूरा जाता है। भाग लगा के देखें हम, 2 एकम 2, 1 बच गया, 0 उतर गया, 2 के पाड़े में 10 आते हैं, 5 2 10 यानी 15 बार। अब 2 का नहीं जाएगा, अब हम लगाएंगे 3 का, 3 एकम 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 बार, 3 4 12, 3 5 15, 5 बार। फिर 3 का, 3 एकम 3, 5 में जाता नहीं है तो 5 अपने स्थान पर आ जाएगा। फिर 5 का, 1 और 5 एकम 5, फिर अतः 18 और 30 का लस, तो संख्या लिख लेंगे 2 × 3 × 3 × 5, 3 को 5 से करेंगे, 3 5 15, 15 को 3 से क्या, 15 एकम 15, 15 2 30, 15 3 45, 45 को 2 से करना है तो 45 × 90, और ये आपका आंसर। तो ये है बहुत ही सरल तरीके से कि दी गई संख्याओं का लस ज्ञात करना। अब अन्य सवाल है हमारे पास 12, 16, 28। तो तरीका वही, सबसे पहले 2 का भाग, 2 एकम 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, यानी 6 बार गया। फिर 2 7 14, 2 8 16, 8 बार। अब 28 में देखो, 2 का भाग 2 में देंगे 2 एकम 2, 2 का भाग 8 में देंगे 2 4 8, फिर 2 का, 2 एकम 2, 2 2 4, 2 3 6, 3 बार, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, सॉरी 2 4 8, 4 बार गया, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14, कितनी बार गया? 7 बार। अब देखिए 3 4 7, लेकिन 4 के अंदर फिर 2 का भाग जाता है, 3 एकम 3, 3 के अंदर भाग जाता नहीं है तो 3 अपने स्थान पे आ गया वापस। 4 के अंदर 2 एकम 2, 2 2 4, 2 बार, और 7, फिर 2 का, 3 अपने स्थान पे, 2 एकम 2, 7 अपने स्थान पे, फिर 3 एकम 3, 1 और 7 अपने स्थान पे, और फिर 7 अपने खुद के पाड़े में आता है, 1 1 7 एकम 7। तो हमारी संख्या हुई अतः 12, 16 और 28 का लस। तो 2 3 2 आया हुआ है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर 3 × 7। अब इन सब की करनी है गुणा। देखिए 2 को 2 से करेंगे, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, कितना आया? फिर 16 को 3 से करना है, 3 6 18,
एक बज गया, तीन एकम तीन एक चार, 48। फिर इसको सात से करना है, 7 × 56, 5 हासिल, 7 × 28, 29, 30, 31, 32 यानी 326। और ये आपका आंसर। तो इस प्रकार से आप दी गई संख्याओं का लस याद कर सकते हैं। अब इन दो सवालों को कॉपी में उतारिए, फिर इन्हीं सवालों को आप बिना देखा देख हल कीजिए और फिर मिलान कीजिए कि आपने कितना सही किया और कितना गलत। धन्यवाद। अब मैं आपको अंग्रेजी विषय का अध्ययन करा रहा हूँ। अंग्रेजी में आज मैं आपको जन्मदिन की पार्टी में अपने दोस्तों को निमंत्रण करने के बारे में लिखना है। ये है कि राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड टू जॉइन द बर्थडे पार्टी। यानी आपको आप अपने जन्मदिन की पार्टी मना रहे हो और दोस्तों को पार्टी में बुलाने के लिए, निमंत्रण देने के लिए पत्र लिखना है। तो सबसे पहले जहाँ आप रहते हैं, यानी आपका एड्रेस जो होता है जहाँ आप रहते हैं, उसका नाम आ जाएगा बीकानेर। क्या आएगा? बीकानेर। फिर डेट 22 सितंबर 2020। अब मैंने यहाँ लिखा है माई डियर राजा। अब यहाँ राजा की जगह पे जो भी आपके दोस्त का नाम है वो आपको लिखना है, माई डियर राजा। एम वाई माई बी आई आर टी एच डी ए वाई बर्थडे इज ओ एन ऑन 3rd ओ सी टी ओ बी ई आर अक्टूबर। माई बर्थडे इज ऑन 3rd अक्टूबर। यानी मेरा जन्मदिन 3 अक्टूबर को है। आई एम जी आई वी आई एन जी गिविंग ए टी पार्टी। आई एम गिविंग ए टी पार्टी यानी मैं एक चाय पार्टी दे रहा हूँ। टू ओ टू ए डबल एल ऑल ओ यू आर ओवर एफ आर आई ई एन डी एस फ्रेंड्स टू ऑल आवर फ्रेंड्स यानी मैं हमारे सभी मित्रों को यानी दोस्तों को ऑन दैट डे उस दिन एट 6 PM यानी शाम को 6 बजे। तो पूरी लाइन हुई आई एम गिविंग ए टी पार्टी टू ऑल आवर फ्रेंड्स ऑन दैट डे एट 6 PM यानी मैं उस दिन अपने सभी दोस्तों को शाम को 6 बजे एक टी पार्टी दे रहा हूँ। आई एन वी आई टी ई इन्वाइट यू टू जॉइन इट। आई इन्वाइट यू टू जॉइन इट एंड मैं आपको पार्टी में शामिल होने के लिए निमंत्रण देता हूँ। प्लीज पी एल ई ए एस ई प्लीज कृपया डी ओ डू सी ओ एम ई कम प्लीज डू कम कृपया जरूर आना एंड एच ए वी हैव टी विथ अस और हमारे साथ चाय लेना। फिर नीचे लिखा हुआ है एच ओ पी आई एन जी होपिंग टू एस डबल ई सी वाई ओ यू इन द पार्टी। आशा करता हूँ कि आप पार्टी में हमारे साथ होंगे। फिर योर ट्रू फ्रेंड्स तुम्हारा सच्चा दोस्त के यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। तो ये बर्थडे की अपनी बर्थडे पार्टी में अपने दोस्त को बुलाने के लिए निमंत्रण पत्र, आपको इसको अपने कॉपी में उतारना है और इसको याद करना है। मैं एक बार फिर आपको इसकी रीडिंग लगवा देता हूँ कि बीकानेर डेट आ जाएगी, फिर माई डियर मैं डैश डैश किया नहीं राजा, आप अपने दोस्त का नाम लिखना है यहाँ पर। माई बर्थडे इज ऑन 3rd अक्टूबर। माई बर्थडे इज ऑन 3rd अक्टूबर। आई एम गिविंग ए टी पार्टी टू ऑल आवर फ्रेंड्स ऑन दैट डे एट 6 PM। आई इन्वाइट यू टू जॉइन इट। प्लीज डू कम एंड हैव टी विथ अस होपिंग टू सी यू इन द पार्टी और यू ट्रू फ्रेंड नेम। इसको आपको अपनी कॉपी में उतारना है
और इसको याद करना है। याद करके फिर इसको बिना देख के आपको अपनी कॉपी में नोट करना है और फिर आपको मिलान करना है कि आपने कितना सही लिखा और कितना गलत।